पुलिस ने एक अच्छी सफलता हासिल की है। वसीम जो देवल्दी का निवासी था, कई सारे मामलों में वांछित चल रहा था। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश में मंदसौर में किसी महिला से ज़बरदस्ती बात करने, अब उसका पति जेल में निरुद्ध था, उस पे पति से तलाक लेकर जबरन शादी करने का दबाव डालने, फिर उस महिला पे फायरिंग करने के मामले में 10,000 रुपये का मंदसौर पुलिस ने इनाम घोषित किया था। इसी तरह पिछले दिनों पुलिस ने सालमगढ़ थाने में 4 युवकों को लग्जरी गाड़ी के साथ में मादक पदार्थों की तस्करी करते पकड़ा। वो मादक पदार्थ भी वसीम से ही सप्लाई करना अनुसंधान में सामने है, उसमें भी वांछित था। इस तरह के हार्ड कोर मुलजिम जो अपनी इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से आम जनता में भय व्याप्त करता है, लगातार पुलिस प्रशासन को चुनौती देता है। निश्चित ही ऐसे अपराधी के खिलाफ पुलिस साइबर के माध्यम से, उसके डिजिटल प्रेजेंस के माध्यम से पूरी उसके ऊपर नज़र रख रही थी। अरनौत पुलिस, DST और साइबर, इनकी सबकी सामूहिक प्रयासों से इस मुलजिम को, 3 अन्य लड़कों जो मादक पदार्थ से लेने आए थे, और इसको गिरफ्तार किया गया और मादक पदार्थों की जब्ती की गई है। अभी जो मामला है वो अनुसंधानाधीन है।